फाइनली वो दिन आ ही गया जब यार फुकरा इंसान को अपनी कैप्टनसी वापस मिल गई 2 मिलियन ट्वीट्स करने के बाद। ऐसे तो सलमान खान को किसी का भाई किसी की जान का पार्ट 2 बनाना चाहिए, किसी की सांप किसी की जान। और सांप का मतलब सिर्फ एक ही है, जिया शंकर। उसको पता था कि साबुन का पानी मिलाने वाली हरकत के बाद उसको बहुत सारी हेट मिलेगी, तो उसने खेला सिंपथी गेम। अभिषेक को उसकी कैप्टनसी वापस देना चाहता है और सीधी सीधी फुकरा इंसान ने कैप्टनसी उसको लेके दे दी। और उसका ये सब करने का कारण सिर्फ एक ही था कि सारे बंदों ने मिलकर उसकी क्लास ले ली। वैसे तो सलमान खान ने उसको मिर्ची वाला पानी पिलाया था पनिशमेंट के तौर पे। अगर मैं होता तो भाई मैं तो उसको फिनाइल वाला पानी पिलाता। बाय बाय टाटा गुड बाय। सबसे बेस्ट चीज लगी मेरे को कल के शो में थगेश की एंट्री, और थगेश भाई के आते फुकरा भाई के चेहरे पे अलग ही स्माइल आ गई। जो थगेश ने फुकरा इंसान की तारीफ करी, रिस्पेक्ट ब्रो। थगेश ने सारे हिंट्स दे दिए फुकरा इंसान को कि भाई तेरे को किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना है। अल्पेश यादव और फुकरा इंसान को तो स्पेशली बोला है कि दोनों भाई मिलके साथ रहो। वैसे हेटर्स का काम तो हेट देना है, इतना तो भाईचारा चल रहा है घर के अंदर। फुकरा भाई अपने हाथ से खाना खिला रहे अल्पेश यादव को, और कितना भाईचारा लोग यार तुम। मैं तो हेटर्स को यही बोलूंगा, अरे थोड़ा हेट देना कम कर दो यार। फलक नाज, इसके घर वालों तक को इस पे नाज नहीं है, इतनी निकम्मी है। कल के शो में भी यही पूछा था कि किसके सबसे कम एफर्ट थे, यार इनडायरेक्टली यही बोल दो ना कि सबसे निकम्मा कौन था। मुझे क्या पता। सारे के सारे बंदों ने फलक नाज का नाम लिया, और भाई बाद में एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं जैसे तो उसके जाने से पता नहीं कितना दुख हो रहा है, स्पेशली अविनाश। अरे भाई तेरे को इतना ही दुख था तो थोड़ा वहाँ सपोर्ट ले लेता ना, बाद में एक्टिंग क्या कर रहा है उसको गले मिलने की। अगर एल्विश यादव को उस दिन वो एक पराठा एक्स्ट्रा खिला देती तो कम से कम हमारा एल्विश भाई इतना दिलदार है कि उसका नाम ले लेता कि हाँ भाई फलकनास बढ़िया काम करती है, मेरे को एक पराठा एक्स्ट्रा खिलाया, थोड़ी मेहनत करती है लड़की। कल जो फुकरा इंसान और एल्विश यादव का रोस्ट बैटल हुआ, आपस में नहीं बाकी कंटेस्टेंट को रोस्ट करना था, जबरदस्ती था यार। इसको कल मेकअप वाली बात क्या बोल दी, इसका जरा रिएक्शन देखो। आए हाय हाय, एटीट्यूड तो ऐसा है जैसे कैटरीना की छोटी बहन है। बात तो सही है। चलो भाई कम से कम इतने हफ्ते में एक एलिमिनेशन तो देखने को मिला, वरना पूरा पूरा जिला घोषित हो रखा है बिग बॉस का हाउस, इतनी ज्यादा भीड़ भर रखी है। अब ज्यादा इंतजार नहीं होता यार, फटाफट से एलिमिनेट करो, फुकरा भाई को बाहर बुलाओ यार, 2 महीने हो गए, 2 महीने से बेरोजगार बैठा हूं भाई घर पे। और दूसरी बात, वैसे ही भाई वीडियोस कम रह गए, सिर्फ 2-3 वीडियो बची है भाई स्टॉक में, जल्दी से बाहर निकालो यार, एलिमिनेट करो, खत्म करो बिग बॉस, बहुत हो गया यार। और कल के रोस्ट का एक सेंस मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर जैद हदीद को रोस्ट ही करना है तो इंग्लिश में रोस्ट करो ना भाई, हिंदी में बेचारे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे शक्लें बना रहा है अजीब अजीब सी। पूजा भट्ट, दादी ताई, इनको कोई कुछ मत बोलो क्योंकि रोस्ट का काउंटर देने के लिए वहीं पे बैठी हैं। किसी की सुनती नहीं है, किसी की समझती नहीं है, सिर्फ अपनी चलाती हैं, पर इनकी सुनता भी कौन है। ताई जी की उम्र बढ़ गई पर उनका गुस्सा कम नहीं हुआ, ताई को कोई जाके समझाओ यार, इस उम्र में थोड़ा अनुलोम विलोम करें, जप शप करा करें यार, इस गुस्से में कुछ नहीं रखा, किस दिन दिमाग की नसनुस फट जाएगी। पूरे के पूरे एपिसोड में 2-3 चीज तो पसंद आई है, एक फुकरा इंसान अल्पेश यादव के रोस्ट बैटल, एक थगेश की एंट्री और एक फुकरा इंसान की कैप्टनसी। कल के रोस्ट बैटल में दो बंदों को खासकर चुल उठी थी, एक पूजा दादी को और एक बेबी का दीदी को, दोनों के दोनों को भाई जबरदस्ती मिर्ची लगी। फुकरा इंसान और अल्पेश यादव की एक बात मेरे को अच्छी लगी, दोनों ने अपने दुश्मनों का चुन चुन के रोस्ट किया है, स्पेशली जिया, बेबिका और अविनाश। और अल्पेश यादव ने तो फुकरा इंसान का थप्पड़ वाला बदला भी ले लिया, बेबिका को सीधा बोला ये उन बच्चों में से आती है जो गाड़ी में बैठ के बटन इधर उधर पर छेड़ते हैं ना, उनको ऐसा मन करता है खींच के लाफा मारे। और सेम फुकरा इंसान ने बोला बेबिका को कि भाई तेरा पाम रीडिंग और फेस रीडिंग का करियर तो बाहर जाते ही खत्म है। बट आपका फेस रीडिंग और पाम रीडिंग का करियर तो पक्का खत्म होने वाला है। और दूसरी लाइन मेरे को सबसे अच्छी लगी, जो जिया शंकर को अल्पेश यादव ने साफ बोला ना कि भाई कि तेरा अगर फिल्म सिटी के पास है वहाँ पे जंगल है और कोई हर्ज की बात नहीं, सांप जंगल में ही रहते हैं। वाह, ये सुन के मुझे जरा भी अजीब नहीं लगा क्योंकि सांप जंगल में ही रहते हैं, ये लाइन तो भाई दिल के आर पार चली गई। दोनों का ही रोस्ट मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, आप लोग भी कमेंट्स करके बताओ कि आपको रोस्ट किसका ज्यादा अच्छा लगा। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि दबा के फुकरा इंसान को वोट करो यार, भाई को जिताना अपने को। एंड गाइस मुझे मेरा प्रॉमिस याद है कि मेरे को 1000 बंदों को खाना खिलाना, आप लोगों ने 20,000 के बजाय 60,000 लाइक्स कर दिए थे, तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।